हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वायर फीडर के कुछ इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मैंने ये जो दिखा रखा है, ये एक वायर फीडर है, GMAW का वायर फीडर है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और दिखाऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा इस पार्ट को। ये एक पार्ट है, ये देखिए, ये जो अप या डाउन, अप डाउन जो हो रहा है, इस पार्ट को हम लोग प्रेशर नट बोलते हैं दोस्तों। प्रेशर नट है। दूसरा जो है ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रेशर आर्म। इस पार्ट को प्रेशर आर्म बोलते हैं दोस्तों। ये जो है यह फीड रोलर है ना, यह फीड रोलर है। यही एक्चुअली क्या करता है कि फीडिंग मैकेनिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यह फीड रोलर है। और ये जो है, ये सब जो है, ये गाइड रोलर के रूप में वर्क करता है। ये रोलर ठीक है। ये जो आप लोग को रोलर दिख रहा है, ये फीड रोलर के ठीक ऊपर ऐसे आता है, गिरता है। तो जब फीड रोलर, देखिए ये फीड रोलर है, इसके ऊपर ये बार बार इलेक्ट्रोड है। क्योंकि फीड रोलर में आप लोग को पता है कि ये जो रोलर है, ये भी ग्रूव रोलर है, इसमें लगा हुआ है। फीड रोलर जो है वो भी ग्रूव टाइप का है, तो इसी में वायर बार बार इलेक्ट्रोड एडजस्ट हुआ है। और इसी बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर ये वाला रोलर आके मिलता है दोस्तों। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि ये ऐसे आके गिर रहा है ना। तो यानी कि ये बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर ये इलेक्ट्रोड, ये रोलर रहता है ना, फीड रोलर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। साथ ही साथ में ये आप लोग देख सकते हैं कि ये है वायर स्पूल है ना, यहाँ से इसको टाइट किया गया है। इसके ऊपर ये वायर स्पूल के अंदर कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील का बार बार इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर लपेटा गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे, सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है प्रेशर नट। तो प्रेशर नट से आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रेशर नट क्या करता है कि बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कराता है दोस्तों। अभी क्या है कि देखिए, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है, है ना, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। और तो ये क्या करता है प्रेशर नट, कि ये प्रेशर आर्म की सहायता से, अब देखिए ये प्रेशर आर्म हो गया, तो प्रेशर आर्म ऐसे रहेगा तो भी इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऐसे कर देंगे, प्रेशर नट को ऊपर कर देंगे इसके, और एडजस्ट करके जब नट को टाइट करेंगे, तो क्या करेगा कि प्रेशर आर्म क्या करेगा, इस रोलर की सहायता से बार बार इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करेगा कि प्रेशर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा कि फीडिंग मैकेनिज्म हमारा जो स्मूथली एग्जीक्यूट होगा, है ना, फीडिंग मैकेनिज्म हमारा बहुत ही आसानी से और स्मूथली एग्जीक्यूट होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा फीडिंग में। तो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फीडिंग में, वो ये प्रेशर नट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये आप लोग सही तरीका से प्रेशर एडजस्ट करके नहीं अप्लाई कर रहे हैं बार बार इलेक्ट्रोड पे, तो वेल्डिंग के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कंटिन्यूस आप लोग को इलेक्ट्रोड बर्न नहीं हो पाएगा, स्टैटिक आर्क नहीं मिल पाएगा, तो जिससे आप लोग वेल्डिंग सही से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह की दिक्कत आती है, तो उस टाइम में हम लोग इसको चेक करते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या दिक्कत होता है। अभी देखिए दोस्तों, इस पर मैंने किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला है, तो क्या होता है आप लोग देखेंगे अपने, फिर समझ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मशीन को अभी ऑन कर दिया है, और ये आप लोग ये भी देख सकते हैं, ये देखिए ये वेल्डिंग गन है, और आप लोग को वेल्डिंग गन भी दिख रहा है और फीड रोलर भी दिख रहा है। अब मैं जैसे ही ट्रिगर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे ट्रिगर है, इसको मैं दबाता हूँ, तो जैसे प्रेस करूँगा ट्रिगर को, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि जो हमारा फीड रोलर है वो तो रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार इलेक्ट्रोड जो कॉन्टैक्ट टिप से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि जो फीड रोलर के ऊपर, देखिए फीड रोलर के ऊपर जो हमारा बार बार इलेक्ट्रोड है वो स्लिप कर रहा है, यानी कि फीड वहाँ पे प्रेशर हमने नहीं डाला, तो वो बार बार इलेक्ट्रोड को, फीड रोलर
स्पूल से खींच नहीं पा रहा है, स्लिप कर जा रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, फीडिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग, ये तो पता चल गया हम लोग को कि ये कितना इम्पोर्टेंट है प्रेशर नट। अब हम लोग प्रेशर लगा के देखते हैं। ये देखिए प्रेशर लगा है, अब थोड़ा टाइट करिए इसको। अब हम इसको नट को टाइट करते हैं, और करिए, हाँ और करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमने टाइट कर दिया है, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है। मैं फिर से प्रेस किया तो ये देखिए, अभी भी दोस्तों अभी भी उतना प्रेशर नहीं है, देखिए फंस रहा है, ठीक है दोस्तों। बहुत मतलब कि दिक्कत से हो रहा है, फीडिंग तो हो रहा है लेकिन जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, अभी भी स्लिप कर रहा है हमारा, है ना। अब हमारा जो फीड रोलर तो चल रहा है लेकिन प्रेशर सही नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि बार बार इलेक्ट्रोड उसके ऊपर स्लिप कर जा रहा है। फिर प्रेशर अप्लाई करिए, इस पर प्रेशर दीजिए। देखिए हम टाइट करा रहे हैं उसको, टाइट करा के उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। ये प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ओके बस बस बस, ओके फिर से देखते हैं अब क्या हो रहा है। अभी प्रेशर ठीक हुआ कि नहीं फिर से देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए अभी प्रेशर कुछ ठीक हुआ है ना। तो ये वाला प्रेशर अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी फीडिंग अभी जब हम लोग प्रेस जब हम प्रेस कर रहे हैं वेल्डिंग गन का स्विच, तो ये देखिए आराम से फीडिंग हो रहा है। तो क्या ये प्रेशर इनफ है? ये कैसे पता चलेगा कि कितना प्रेशर इनफ होगा हमें वेल्डिंग के दौरान? अभी तो हम लोगों ने किसी प्रकार का टेस्ट नहीं किया, तो इसको कितना प्रेशर इनफ होगा इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसको कट करिए प्लायर से, उससे प्लायर से कट करिए ना। अब दोस्तों देखिए अब क्या होता है कि क्या करना है कि सिंपल एक फंडा आप लोगों को टेक्निक अपनानी है कि इलेक्ट्रोड को क्या करना है, जो वेल्डिंग गन है उसको ऐसे फर्श पे रख देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, फर्श पे रख देना है। और रखने के बाद ट्रिगर दबाना है, ये देखिए ट्रिगर दबाना है। अगर बढ़िया से मतलब कि स्मूथली फीडिंग हो रहा है तब तो सही है, लेकिन अभी देखिए दोस्तों अभी स्मूथली फीडिंग नहीं हो रहा, रुक रुक जा रहा है ना। तो थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई कराते हैं, थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करिए इसके ऊपर, हाँ और करिए, और करिए, बस बस, ओके ओके इनफ। तो अभी मैंने थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई किया है, और अप्लाई करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अब फिर से मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये देखिए मैं रख लिया, ये देखिए काफ़ी अच्छे से फीड हो रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, काफ़ी अच्छे से एक बढ़िया सा मतलब कि हम लोग को फीडिंग मिल रहा है। हमने आगे लगा रखा है तो भी देखिए क्वाइल सा बना देगा ये देखिए। तो ये अभी हम लोग का एक्चुअल प्रेशर है, ये एक अच्छा प्रेशर है, इसी प्रेशर पे हम लोग रख के वेल्डिंग करेंगे तो हमें वेल्डिंग के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम लोग वेल्डिंग कर पाएंगे दोस्तों। अब एक चीज़ है कि हमें ज़्यादा भी नहीं प्रेशर लगाना है और कम भी नहीं लगाना। आप लोग को पता चल गया कि अगर प्रेशर कम रखते हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। प्रेशर कम रखते हैं तो आप लोगों को देखा प्रैक्टिकली कि फीडिंग जो प्रोसेस है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वायर फीड सही से नहीं हो पाएगा। जब वायर फीड सही नहीं हो पाएगा, फीडिंग प्रोसेस में दिक्कत होगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोग वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ होगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तब क्या होगा? अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है और जो ये जो फीड रोलर है ये दोनों डैमेज हो सकता है। अगर हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर डाल के वर्क कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमारा
इलेक्ट्रोड भी डैमेज हो सकता है, साथ ही साथ हमारा जो ये फीड रोलर है ये भी डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे डैमेज होगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हमने अप्लाई करा दी दोस्तों, तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कराने से क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर की वजह से इसका जो साइज है, डायमीटर है, वो चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म होगा। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो कॉपर की कोटिंग की गई है, तो ये इसके ऊपर जो कॉपर का लेयर है, प्रेशर की वजह से वो भी हट जाएगा। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो जो डैमेज है वो पहला तो ये होगा कि इसका साइज डिफॉर्म होगा, यानी कि उसके बाद क्या होगा कि इसका जो लेयर है, कॉपर का जो लेयर है इसके ऊपर से, वो हट जाएगा दोस्तों। जो दूसरा डैमेज है वो है किसके ऊपर होता है, फीड रोलर के ऊपर। तो आप लोग पता है कि दोस्तों कि फीड रोलर के ऊपर जो है भी ग्रूव कटा होता है, आप लोग देख भी सकते हैं, भी ग्रूव कटा हुआ है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड हमारा उसी भी ग्रूव से पास होके जाता है, यानी फीडिंग में वो हेल्प करता है। तो जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो जो भी ग्रूव का जो साइज है, जो ग्रूव का जो साइज है वो डिफॉर्म होगा, यानी कि उसमें चेंजेज आएगा। चेंजेस क्या आएगा, उसका जो साइज वो बढ़ जाएगा, है ना, उसकी जो विड्थ है वो फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो ये उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो रोलर है, ड्राइव रोलर है, वो ख़राब हो जाएगा। और ख़राब होने के बाद अब इसको हमें चेंज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो हमारा ड्राइव रोलर जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए प्रेशर अप्लाई करना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हम ज़्यादा भी प्रेशर ना अप्लाई करें इलेक्ट्रोड के ऊपर, और कम भी ना करें, क्योंकि कम करेंगे तो फीडिंग प्रोसेस अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड डैमेज हो सकता है, या फिर ये जो फीड रोलर है ये डैमेज हो सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रेशर सेट करना होता है। तो जो मैंने टेक्निक आप लोग बताया, उस टेक्निक को फॉलो करें तो आप लोगों को डैमेज से आप बच सकते हैं, और आसानी से गुड वेल्डिंग रिजल्ट्स भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।